हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स आलपिन। दिल्ली, परमाणु का शहर, अपराधियों, गुंडों और बदमाशों की एक छींक से भी जहां चौंक पड़ता है इंस्पेक्टर विनय, वहां से सिर्फ 50 मील दूर एक छोटा सा शहर परवाड़ू। इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु है, जातिवाद की अग्नि में झुलसा हुआ अति संवेदनशील शहर, जहां किसी पर कुछ भी घटित हो सकता है। तूफान की तरह कोई आकर किसी से टकरा सकता है, पलक झपकती सड़क पर सनसनी मच सकती है। खून, खून, खून! हत्यारे के पीछे भागी उन्मादी भीड़ को सिवाय धूल व धुएं के कुछ हासिल नहीं होता। हत्यारा उस कार में भाग रहा है, नंबर नोट करो, नंबर है कहां? कुछ ऐसा मिल सकता है। ये क्या है? शायद भागते हुए हत्यारे का गिरा है स्वास्तिक का निशान। वह हिंदू था, इस निर्दोष को अकारण ही मारा हिंदुओं ने। आग में घी डालने का काम छद्म रूपधारी ये गुंडे ही कर रहे थे। हम बदला लेंगे, खून का बदला, खून! ये था उस क्षेत्र का दृश्य जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी और जहां थी हिंदू आबादी अधिक। पकड़ो वह भागा हत्यारा, वहां भी कुछ ऐसा मिल सकता है। अल्लाह का चिन्ह, यह काम कौन कर सकता है? बताने की जरूरत नहीं, खून का बदला, खून! लूट लो दुकानों को, आग लगा दो। देखते ही देखते शहर का रूप भीभत्स होने लगता है। पुलिस हस्तक्षेप के पश्चात जब तक कर्फ्यू का ऐलान हो तब तक दर्जनों दुकानों व घरों का कीमती सामान लुट चुका होता है। लेकिन सुलग उठता है सारा शहर, लेकिन वास्तव में ये सब दो जातियों का आक्रोश नहीं है। ये सब होता है केवल दो भाइयों के संकेत पर, दो जुड़वा भाइयों गेंडा और टेंडा के संकेत पर। शहर में दंगा भड़काने के बाद लूट की इतनी दौलत मिली है टेंडा भाई, तुम्हारी कामयाबी और ये दौलत का पहाड़ देखकर खुशी से पागल हो जाएगा। दोनों भाई टेंडा और गेंडा दुसाहसी, क्रूर, खातक, अव्वल दर्जे के कातिल और आलपिन के खिलाड़ी। तीक्ष्ण विषभुजी आलपिन है जिनके हथियार दोनों के सिर पर पूरा स्टॉक रहता है इन जहरीले आलपिनों का। इन आलपिनों की मार के आगे तोपची भी थर्राते हैं। आलपिन है जो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जिसके शरीर में पैवस्त हो जाए वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। गहरी सांस भरते हुए पुलिस कमिश्नर डीपी भंडारी ने आगे बताया, आज तक ये दोनों कभी पकड़े नहीं जा सके इंस्पेक्टर विनय। मैं इस मिशन पर तुम्हें भेजना चाहता हूँ बिल्कुल गुप्त रूप से। वहां के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर कांबली को मैं तुम्हारे बारे में एक बार लिख चुका हूँ, वह आपकी मदद करेंगे। आई एम रेडी टू गो सर। इंस्पेक्टर विनय एक रेल द्वारा परवाड़ू रवाना हो गया। कमिश्नर साहब के अनुसार होटल सिक्सर के रूम नंबर 10 में मेरे ठहरने का इंतजाम है। एक टैक्सी द्वारा होटल सिक्सर पहुंचने में विनय को कोई दिक्कत नहीं हुई। मिस्टर विनय को रूम नंबर 10 में ले जाओ। इंस्पेक्टर विनय का सामान रूम नंबर 10 में पहुंचा दिया गया। कुछ चाहिए सर? नो नथिंग, जब जरूरत होगी खुद मंगा लूंगा। कुछ देर आराम करके सफर की थकावट उतारूंगा। और इंस्पेक्टर विनय की इसी हरकत ने उसे उछलने पर मजबूर कर दिया। ओह नो! हाथ के एक ही झटके से उसने उस भयानक विषैली मकड़ी को दूर उछाल फेंका। उफ, ये मकड़ी यहां कैसे पहुंची? अगर ये काट लेती तो सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होता मुझे। ये हरकत निसंदेह किसी ने मेरी हत्या करने के लिए की है, मगर किसने? इंस्पेक्टर कामली के अलावा ऐसा कौन है यहां जो मेरे बारे में जान गया है, मगर कैसे? अगले दिन, आइए मिस्टर कांबली, मैं आपका इंतजार कर रहा था। इसे देखिए, ये तो मकड़ी है सर, ये साधारण मकड़ी नहीं है। अगर ये किसी को काट ले तो उसे तड़पने का भी मौका नहीं देती। ये मकड़ी मेरे बेड पर इस कंबल के नीचे छिपा दी गई थी। अब शायद मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर कांबली। मेरे यहाँ आने की सूचना केवल तुम्हें प्राप्त थी, लेकिन सर कांबली के कुछ कहने से पूर्व आईने में देखकर उछल पड़ा इंस्पेक्टर विनय। अगर हाथ में थमा रिवॉल्वर आईने में न देखा होता तो अगली गोली इंस्पेक्टर कामली का सीना बींध गई। भला किसी तेजी के साथ विनय के रिवॉल्वर से निकली थी बुलेट। एक चीख गूंजी, विनय ने अब उसके पीछे भागना बेकार समझा। देर सवेर तुझे भी ढूंढ लूंगा। तुरंत ही कामली की ओर पलटा विनय। कामली, यकीनन तुम जानते हो वो कौन था, बताओ कामली, बताओ। आह, ये इसी के साथ लाश में बदल गया कांबली। डायरी? विनय की आंखों में नजर आने लगी थी एक विशेष चमक। शराब खाने का बारमैन उस समय चौंक पड़ा जब
टेंडा कहाँ है? कौन हो तुम? मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए, बदले में सवाल नहीं। उफ, इस हड़दंग के बाद शराब खाना ग्राहकों की भीड़ से खाली हो गया, रह गए केवल जंगी। खत्म कर दो इस हरामजादे को। और अब समय तो उस ओवरकोट वाले के लिए अपने असली रूप में आने का। ये ओवरकोट जंग में बाधा उत्पन्न करेगा। और ये समय था जंगियों के लिए जंग का। टेंडा तक पहुंचने की पहल तुम्ही से करता हूं। परमाणु के फौलादी जिसमें से टकराकर लोहे की छड़ तक टूट जाती है, फिर हॉकी की क्या बिसात। ओह, उस फौलादी जिसमें के घूसे का स्वाद उसे चखने वाला ही जान सकता है। परमाणु अपराधियों के लिए शैतान का रूप, गाज बन गिर गिरता है वो कानून के भक्षकों पर। डंडे के आगे भूत भी नाचता है बच्चे। शराब खाने को कबाड़ी घर बनाने के बाद अब परमाणु को अपने प्रश्न के उत्तर की चाह थी। इस शराब खाने का मालिक टेंडा कहाँ है? उसके हाथ पर निगाहें पड़ते ही पुनः चौंक पड़ा परमाणु। होटल के कमरे में इसी ने गोलियां चलाई थी। उसे पहचान का परमाणु का लहजा सख्त हो उठा। बताओ वरना दोनों हाथ तोड़ दूंगा। तभी हवा में कुछ सनसनाया। केवल परमाणु के लिए वह अति सूक्ष्म आवाज सुनना मुमकिन था। आलपिन का खिलाड़ी? परमाणु ने गुंडे का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया। इसी पल शराब खाने की दीवार का वह हिस्सा धड़ाधड़ धड़धड़ा कर गिरा। टेंडा, मैं तो तुझे देखते ही पहचान गया था परमाणु। अच्छा हुआ तूने भी पहचान लिया अपनी मौत को। इसकी आलपिन आलपिन है, विष बुझी है। मुझे इनसे बचना होगा। आलपिन के छू जाने का अर्थ होगा मौत। परमाणु ने ढाल का प्रबंध कर लिया। यह टेबल टॉप इन पिनों से मेरी रक्षा करेगा। टेंडा का हमला बेहद मारक था। ढाल सही समय पर मिली। बेहद आक्रामक हो चला था टेंडा। कब तक बचेगा तू परमाणु? अरे, पिन की जगह हथौड़ा चला दिया इसने तो। परमाणु ने भी दिया एक कस के। ले गंजे, इस टुकड़े को भी तू ही रख। आह! टेंडा गेंडे की तरह फुफकार कर परमाणु की ओर बढ़ा। अब तुझे छेद दूंगा परमाणु। बढ़ते हुए सांड को रोक लिया परमाणु ने। तुम दोनों भाइयों ने मिलकर जो खेल यहाँ खेल रहे हो ना टेंडा, उस खेल को अब जल्दी खत्म करूंगा मैं। और उस खेल के अंत की शुरुआत होगी तेरी मौत के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आलपिन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।